आम आदमी पार्टी की ओर से अब उत्तराखंड स्थित पौड़ी जनपद के दूरस्थ विकास खंडों में जाकर अपनी सदस्यता अभियान को तेज करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं पौड़ी जनपद के दूरस्थ विकास खंड बीरोखाल में करीब 100 से अधिक लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ग्रामीणों का कहना है कि बोरीखाल पौड़ी जनपद का सबसे दूरस्थ ब्लॉक है और बीते 20 वर्षों में यहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को जूझना पड़ता है। आम आदमी पार्टी की ओर से जिस तरह से दिल्ली में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर कार्य किया जा रहा है, यदि पौड़ी जनपद में भी इसी तरह से कार्य किया जाए तो पौड़ी जनपद के सभी दूरस्थ इलाकों का भी विकास हो पाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ दिग्मोहन नेगी ने कहा कि पौड़ी जनपद के बहुत से दूरस्थ विकास खंड है जहां पर आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है और ना ही विकास की कोई किरण पहुंच पाई है। उन्होंने पौड़ी जनपद के बीरोखाल ब्लॉक में पहुंचकर 100 से अधिक लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। पौड़ी जनपद के विभिन्न विकास खंडों से लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। इस तरह से आम आदमी पार्टी धीरे धीरे मजबूत हो रही है और जिस तरह से पहाड़ों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी चल रही है, उनकी सरकार आते ही वो पौड़ी जनपद के सभी ब्लॉकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर सबसे पहले कार्य करेंगे। साथ ही निशुल्क बिजली और पानी देने का भी काम किया जाएगा। सदस्यता अभियान के तहत बीरोखाल में हमने अपने संगठन का भी विस्तार करा और बहुत सारे लोगों ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। हम लगातार जनसंपर्क में हैं और पहाड़ों पर लोगों में खासा आक्रोश है कि विगत 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आम जनता के साथ खासतौर पर पहाड़ी जिलों में छलावा करा है। शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाली सबके सामने है, रोजगार के लिए युवा जगह जगह तरस रहा है और साथ ही साथ आज हमारा ये आज का जो यहाँ पर आयोजन था, ये खासतौर पर कृषि तीनों काले कानूनों के विरोध में हमने एक यात्रा भी करी है बीरोखाल बाजार तक। तो कुल मिलाकर जनता में आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत उम्मीदें हैं और लोग जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन हुआ, वही उम्मीद उत्तराखंड में भी कर रहे हैं और एक आस जगी है और बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मातृशक्ति, युवा और बुजुर्ग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं और बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।